धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नाम उमेश शर्मा, अलवर से ही बिलोंग करता हूँ। प्राइवेट कंपनी में काम करके ज़िंदगी के 22 साल निकाल दिए और वहाँ से क्या क्या मिला ये तो बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी। टाइम की, समय की कीमत है तो 5 मिनट में मैं जो बता सकता हूँ वही बताऊँगा आपको। तो मैं प्रियंका वाली स्टोरी बता दूँ संजय सर जी? नाम है उमेश शर्मा और जब मेरा विचार नहीं था ये स्टोरी बताने का, लेकिन उसने क्या सुनाया अभी, उसने मुझे बचपन में पहुंचा दिया दोबारा से। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट बनकर गया था, और कॉलेज के स्टूडेंट बन के जाते हैं तो फिर वो नई पैंट होती है, नई शर्ट होती है, कुछ नए दोस्त बनाने का भी मन करता है। तो उसी उम्मीद पर हम भी चले गए और उसी समय हमारी कॉलेज में एक प्रियंका नाम की लड़की ने भी एडमिशन लिया और उसकी सुंदरता इतनी थी कि पूरा कॉलेज दीवाना था। और सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई तो करनी नहीं थी, हम तो कॉलेज उसको देखने के लिए जाते थे और शायद इस उम्मीद में जाते थे कि कोई हाय हलो हो जाए और हमारी दोस्ती उससे हो जाए। लेकिन एक तरफ हम अपने रंग रूप को देखते थे, दूसरी तरफ उसको तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि यार इससे बात कैसे करें। समझ नहीं आ रहा, सारे लड़के, पूरा माहौल ऐसा हो जाता था, आते जाते सब मतलब यही बात करते थे, वो दिखा रही है, वो जा रही है, बस ये दो चीज कॉलेज में करने के लिए जाता था मैं। समय निकलता गया, 2-3 दिन बाद हम क्या देखते हैं कि हमारी कॉलेज के एक लड़के के साथ वो लड़की घूम रही थी कॉलेज के कैंपस में। तो ये हमसे सहन नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उस लड़के की पर्सनैलिटी, ना हाइट है ना हेल्थ है, वो उसके साथ कैसे जा सकती है और हमारे साथ नहीं बात बनी। हम 5 लड़कों ने हिम्मत की, अकेले की तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसकी सुंदरता से इतने घबरा रहे थे, हम तो उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। 5 लड़के मिलकर गए और उस लड़की से बोला, हेलो मैम। बोली, हेलो मैम, हम आपके ही कॉलेज के हैं। बोले, मैं जानती हूँ। तो मैडम एक सवाल था आपसे कि आपको इस पूरी कॉलेज में यही लड़का मिला था क्या दोस्ती के लिए? तो उस लड़की का जवाब था कि मैं यहां नई नई आई थी इस कॉलेज में और मेरे को किसी न किसी से दोस्ती करनी थी, ये लड़का सबसे पहले आया और इसने मेरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैंने एक्सेप्ट कर ली। हम गलती क्या करते हैं, हम बताते नहीं हैं, ओवर एस्टिमेट करते रहते हैं, ये पैसे वाला, इसको प्लान नहीं दिखाना, इसको क्या जरूरत है। तो मैंने जैसे प्रियंका को नहीं पाया, ऐसे आप मत करना, आपकी गली गली, आपके मोहल्ले मोहल्ले, आपके शहर शहर में प्रियंका नाम की लड़कियां काफी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे सेमिनार में जब आप आओ तो वो किसी और लड़के के साथ बैठी रहती है। तो इससे पहले ही आज ही जाकर के प्रियंका नाम की लड़की को प्लान दिखा देना और अपनी आईडी कॉपी में कर लेना, तो मेरे से प्रियंका निकल गई, आपसे साथ ना निकल जाए, इसके लिए मैं आपको बता। Thank you.